मॉर्निंग कैसे हो आप सभी गाइस। सबसे पहले यार आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए। मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जिन्होंने किए हुए हैं कि भाई आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिकली कुछ बताओ, ठीक है, कि अगर हमको कुवैत में अभी के टाइम पे जॉब करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने डिप्लोमा से कोर्स किया हुआ है, कुछ लोग बीटेक से हैं, कुछ लोग काम सीखे हुए हैं, तो बेसिकली पूछ रहे थे भाई कितनी सैलरी मिल जाती है और जॉब करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैं फटाफट शेयर कर देता हूँ, पहले मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा कि आप एज अ फ्रेशर अभी आपने कहीं भी काम नहीं किया, जस्ट कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आप कितने रुपये तक अर्न कर सकते हो। कुछ लोगों को 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर वो कितने रुपए तक मंथली अर्न कर सकते हैं। पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, वो सुन लो, उसके बाद सैलरी बताता हूँ, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है मेरी तरफ से कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो एक काम करो, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपको सैलरी थोड़ी कम भी मिल रही है, डिप्लोमा से हो, बीटेक से हो, कहीं से भी हो, आप एक काम करो, कहीं ना कहीं इसका एक्सपीरियंस ले लो। जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छी आपको एक्सपीरियंस रहेगी उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप एज ए फ्रेशर लग जाते हो तो सैलरी काफ़ी कम मिलता है, बताऊँगा कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, एज ए फ्रेशर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है, ये मेरी तरफ से टिप है, विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई मत करना। सेकंड चीज, आपका मेडिकल परफेक्ट हो, शरीर में किसी प्रकार कोई कमी ना हो, क्योंकि आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनी में अगर अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो सबसे पहला चीज़ आपका मेडिकल देखती है, सर्टिफिकेट देखती है, आपका डिग्री देखती है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस लेटर देखती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है केस क्राइम, आपका पासपोर्ट, ये चीज़ें आप जानते हो कि आप एबव 18 ईयर ओल्ड हो, मिनिमम 10th और 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो, आपके डिग्रीज में एक्सपीरियंस जरूर हो, ठीक है, फिजिकल में आपका मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है उसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक क्रिटेरिया होती है कि अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपके प्रैक्टिकल्स देखे जाते हैं कि आपके प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म कैसा है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना, सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना, और एक अच्छा एक्सपीरियंस लिए रहोगे तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली सैलरी के बारे में। देखो, आप एज ए फ्रेशर अगर काम करते हो अभी के टाइम पे, तो कुवैत में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल की अच्छी डिमांड है, ठीक है, बट फ्रेशर पे सैलरी काफ़ी कम मिलती है। तो एक ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो आप 40-45,000 रुपीज़ एज ए फ्रेशर अर्न कर सकते हो। अगर आपको कुछ दिन 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 50-55,000 रुपये आपकी सैलरी स्टार्टिंग में लग जाती है, कुछ दिन बाद बढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आए, तो फिर मतलब कोई डाउट तो कमेंट करो। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।